आप जैसे ही एंटर करते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो, अंदर बाइक पार्किंग के लिए जगह है, ठीक है, और कार पार्किंग के लिए उन्होंने अलग से जगह की है। मतलब आपको विला के बाहर पार्क करना पड़ेगा, लेकिन बाइक आप अंदर पार्क कर सकते हो। और जैसे ही एंटर करते हो, आप देखते हो लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, और स्विमिंग पूल काफ़ी क्लीन है, ठीक है। हम लोग बहुत बार इस विला में आ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी प्राइवेसी है यहाँ पे। मतलब किसी भी चीज़ का कोई इंटरवेंशन नहीं है, या फिर रेसिडेंशियल जो आजू बाजू के लोग हैं उनको भी किसी बात की तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है। तो आपका खुद का एक ओन स्पेस मिल जाता है आपको एन्जॉयमेंट करने के लिए। और जैसे कि अभी आप एंट्रेंस पे देख सकते हो, एक साइड पे स्विमिंग पूल है, तो उसके राइट साइड पे आप देखोगे तो उन्होंने लॉन एरिया पूरा बनाया है, ठीक है। तो शाम के वक्त आप इस पीछे साइड जो लॉन एरिया है, ये आपको लिविंग रूम से भी एक्सेसिबल है, और आप यहाँ पे बैठ के शाम की टी वगैरह आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। हमने भी शाम को यहीं पे चाय पी थी, और हमने थोड़ा बहुत क्रिकेट भी यहाँ पे खेल लिया था। जगह थोड़ी है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ग्रुप बैठने के लिए या फिर थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने के लिए, ये स्पेस उन्होंने ऐसी बनाई है, बट ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। और इसके बैक साइड से अगर आप जाओगे तो आप वापस उन्होंने अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह लगाए हैं, ठीक है। तो ये पूरा बैक एरिया है विला का, और जैसे ही आप आगे जाते हो तो आपको वापस से स्विमिंग पूल की दूसरी साइड मिलती है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, साइड लेफ्ट साइड पे ये भी है, ये बिल्ली है जो उन्होंने पाल रखी है, हमेशा इस विला में मिलती है हमें, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, वो अभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ठीक है, ये यहाँ पे नाम आपको दिख रहा है, आरना विला, ठीक है। तो मैं अंदर से भी आपको बताऊंगा, ये काफ़ी स्पेशियस 4 BHK विला है, काफ़ी क्लीन एंड नीट है, और ये हाईवे के भी एकदम पास में है, और वालवन डैम जो है यहाँ से हार्डली 20 मिनट्स वॉकिंग पे है, ठीक है। तो आपको नेचर भी मिल जाता है, आपको प्राइवेट पूल, स्विमिंग पूल सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। आप जैसे ही एंटर करते हो, आपको लेफ्ट साइड पे टीवी मिलेगा, और टीवी यूनिट है नीचे, ठीक है। और राइट साइड पे आप देखोगे तो 3x2 का सोफा है, काउच है यहाँ पे, जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे एसी भी उन्होंने दिया है, और फैन भी दिया है, ठीक है, इस हॉल में। और जैसे हम इस हॉल के थोड़ा आगे आप देखोगे तो आपको एक डाइनिंग टेबल मिलेगा, तो वहाँ पे उनका डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे आप बैठ के लंच डिनर कर सकते हैं। और डाइनिंग एरिया के बाद में राइट पे आप देखोगे तो आपको लॉन का भी एक्सेस मिल जाता है यहाँ से, रूम से, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा किचन बताता हूँ। यहाँ पे एक सेपरेट उन्होंने किचन के लिए बहुत ही बड़ा बनाया है, ठीक है। सामने वॉश बेसिन और फिल्टर वाटर का फैसिलिटी है, और ये एक मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये केयर टेकर है, ये सारा खाना वगैरह सब कुछ ये लोग बनाते हैं, चाय, नाश्ता, जो भी आपको लंच डिनर जो भी आपके पैकेज में होगा वो सब चीज़ें यहाँ पे बना लेते हैं वो। और खाना एकदम बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। फ्रिज है, जहाँ पे आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स रख सकते हो, ठीक है। और आप देख सकते हो, जैसे लेफ्ट से भी आपको यहाँ से भी स्विमिंग पूल का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेयरकस से टोटल ये दो फ्लोर का है, ग्राउंड G+1 है। ग्राउंड फ्लोर पे वन आउट ऑफ 4 BHK ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK है। मतलब एक रूम ग्राउंड फ्लोर पे है और 3 रूम ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। आप देख सकते हो, ये रूम भी काफ़ी बड़ा स्पेशियस है। रूम के साथ आपको यहाँ पे AC मिलता है, वार्डरोब दिया जाता है आपको सामान रखने के लिए, ठीक है। और साइड पे अटैच वॉशरूम है। साइड पे ये उन्होंने कॉमन रखा है, ताकि आप अगर दिन भर आप लिविंग रूम में बैठे हो या हॉल में बैठे हो ना, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक उन्होंने रूम नीचे दिया है ग्राउंड फ्लोर पे, AC वगैरह भी है यहाँ पे, और आप बाकी सब ऊपर है। अब जब स्विमिंग पूल से आते हो तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, देखो यहाँ पे सब पानी वगैरह गिरा है, तो स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक रूम मेरे लेफ्ट साइड पे है और 2 रूम मेरे राइट साइड पे, सेम स्ट्रक्चर है। तीनों रूम में यहाँ पे अटैच वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। और रूम काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हुए, कोई भी बेड बग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मॉस्किटोज एंड ऑल,
इट्स रियली वेल मेंटेन। और ये 16 लोगों के लिए, मतलब हर रूम में अगर आप 4 लोग भी सोते हो तो ना 16 लोग कंफर्टेबली इस विला में अकोमोडेट हो जाते हैं। हम लोग तो 18-20 लोग गए थे, ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आया था। इसके प्राइजेस वगैरह भी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा। ये विला का सारा लोकेशन एंड ऑल डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दूंगा मैं, जहाँ पे आप कॉल करके ना इसकी और इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको, 16 पीपल के लिए ये टोटल 25,000 है, ये उनका हाई प्राइस है, मतलब इसको नेगोशिएट करके आप 20,000 तक आ सकते हो। और पर पर्सन मील का एक्स्ट्रा है, 1200 पर पर्सन है, वेज नॉन वेज। और जैसे मैंने कहा ये हाईवे टच और वाल्वन डैम ऐसे 20 मिनट से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। ये उसका टेरेस एरिया है, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा गेम रखे हैं, यू नो कैरम रखा है, और आप बैठ के यहाँ पे चिट चैट कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको एक पूरा माउंटेन व्यू सामने मिल जाता है। ये देखो मैंने गाड़ी यहाँ पे लगाई है हमने, तो देखो हमारा विला को बाहर लगा के आप रोड साइड पे आप पार्क कर सकते हो, सेफ है टोटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने भी काफ़ी ओपन एरिया है, तो किसी को भी आप जो एंजॉय करो उसका डिस्टर्बेंस नहीं होता। और सामने आप देखते हो तो पूरा माउंटेंस, स्पेशली जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ये माउंटेंस काफ़ी क्लोज है। तो हम लोग यहाँ पे मानसून में भी आए थे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, ठीक है। और ये माउंटेंस के लेफ्ट साइड पे ही वाल्वन डैम है, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। ये टॉप व्यू है स्विमिंग पूल का ऊपर से, और ये फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हो तो आपको एक अलग से रिफ्यूज एरिया भी दिया गया है। तो ये देखो, ये है बढ़िया सा माउंटेन का व्यू। ये रिफ्यूज एरिया है फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब एक जो रूम है उसको अटैच करके ही है, तो आप यहाँ पे बैठ के भी इधर बैठ सकते हैं अपन यार रात को। तो ये रहा विला का टूर। उसके बाद हमने चाय पकौड़े मंगाए थे, तो वो आ गए थे हमने, तो शाम को हमने थोड़ा डांस पार्टी चल रहा था, तो थोड़ा सा बारबेक्यू हम लोग चिकन यहाँ से खुद से लेके गए थे। आप अगर बारबेक्यू का एक्स्ट्रा चार्जेस हो आप बोलोगे तो वो खुद अरेंज कर लेंगे सारा कुछ, विथ मटेरियल एंड एवरीथिंग, जैसे वेज पनीर पनीर हो गया या फिर चिकन हो गया, ठीक है। हम तो हमारा 3 KG का चिकन अलग से लेके गए थे, ताकि थोड़ा चार्जेस कम। तो बारबेक्यू का अराउंड 4 to 6,000 तक आपको चार्जेस होगा, अगर आप पूरा ही आउटसोर्स कर दो, ठीक है। तो ये भी आप बाद में बार्गेन कर लेना। और फिर दूसरे दिन हम लोग, केयर टेकर ने हमें बताया कि यहाँ पे पास में ही एक डैम है, तो हमें तो स्टार्टिंग में लगा छोटा सा डैम होगा, तो हम बोले चलो चलते हैं वॉक के लिए। तो हम निकले तो एक 20 मिनट्स वॉक करने के बाद, यू नो वो जो ट्रेल है वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो ना, आजू बाजू बहुत ही ग्रीनरी है, थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया है, ठीक है। और उसी को लग के ये तो छोटा सा पॉन्ड है, बट आगे जाके आपको मैं लेक भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेकिंग कुछ ऐसा ज़्यादा स्टीप नहीं है, ठीक है, 10-15 मिनट्स आपको फ्लैट वॉक करना है, और एक 5 मिनट की चढ़ाई है, ठीक है, जिसके आपको जैसे आप वो चढ़ाई करते हो तो आपको ना पूरा वाल्वन डैम का व्यू मिल जाता है। तो ये थोड़ी चढ़ाई करने के बाद आपको, ये जब आप चढ़ाई कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। और ये आपको जो नीचे दिख रहा है पूरा ब्लू शेड, वो पूरा ही वाल्वन डैम है, बैक वाटर है वाल्वन डैम का, ठीक है। तो पानी में आप चाहिए तो जा सकते हैं, पर ज़्यादा भी डीप नहीं जाइए, ज़्यादा भी अंदर मत जाइए, क्योंकि काफ़ी डीप है, ठीक है। बिकॉज ये वाल्वन डैम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट नहीं है, आपको बीच में ही कहीं, तो ये जैसे गांव कनेक्ट होता है ना डैम को, वैसा ये एक विलेज वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ये रहा उसका ब्यूटीफुल व्यू।
सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले दरमियां। आमचा जो विला आहे तिथून हार्डली 10 मिनिट्स वर एक डॅम आहे, खूप छान असा डॅम आहे, एकदम रिलॅक्सिंग सूथिंग आहे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विला के सारे डिटेल